बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। सारे समूह गुरु रविदास मामलेवाद संस्था और समुची मनुखता मनण वाले जो लोग आज इतने इकट्ठे होकर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि अज 15 अगस्त का दिन है और एक पासे देश के अंदर जी 15 अगस्त है वो आजादी के दिवस के तौर पर मनाई जाती है, लेकिन जोड़ा 15 अगस्त 1947 का एग्रीमेंट है ट्रांसफर ऑफ पावर, वो ट्रांसफर ऑफ पावर जी गोरिया के हथों भूरिया के हथ आ गई और गोरिया के हथों जो भूरिया के हथ आ गई है अज देश के हालात जोड़े इदा बन गए हैं कि इतने ना घट गिणती सुरक्षित है, इतने ना कोई मुस्लिम ना कोई दलित ना कोई ईसाई कोई सुरक्षित नहीं है और इतों तक के साडे धार्मिक अस्थान जोड़े आ जोड़े इतिहासिक धार्मिक अस्थान आ वो भी सुरक्षित नहीं है और जी जुडिशली है जुडिशली जी है उस सरकार के इशारे के उत्ते काम कर रही है जिंदी जूदी जागती जी मिसाल है वो आ भी है और नाल ही इनू प्रमाणित करती है गल जी जे सुप्रीम कोर्ट के चार जज जिन्होंने ये गल कही कि लोकतंत्र खतरे गया जुडिशली उत्ते पॉलिटिशियन का कब्जा हो गया वो जी लोकतंत्र खतरे वाली गल है वो साबित हो गई है कि जुडिशली ने जोड़ा इदा का साढ़े हिरदे रुंधने वाला फैसला दिता और एक्शन इदा हो कि देखो कि रातों रात जोड़ा गुरु रविदास जी के इतिहासिक मंदिर में तोड़िया गया और वो भी सारे मलबे को खुर्द बुर्द किया गया, अभी दिल्ली गए उ जाके देखा कि उत्थे मलबे का भी नामो निशान तक नहीं और उत्थे इदा ग्राउंड पदरा कर दिता जिदा इतने कुछ भी नहीं होंगे और इदा के हालात जोड़े बने आदा मतलब यह आ कि देश के अंदर वो लोग जोड़े आ हर एक तबके दबा के रखना चाहते हैं। इन्ने जबरदस्त होने तो बाद भी भारत का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बड़ा बेशर्म होकर लता मंगेशकर को गाना सुनता कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, ये जी गल है ये मुहम्मद इकबाल ने यह गल आज़ादी तो पहला कही थी कि सारी दुनिया तो सोहना साडा हिंदुस्तान है और जो भारत आज़ाद होया तो मुहम्मद इकबाल ने अंग्रेजा ने पूछा कि इकबाल साहब तू मुल्क जोड़ा आ जोड़ा सारी दुनिया तो सोहना लग रहा है वो अज किस तरह का लग रहा, तो इकबाल साहब ने अपने शायराना अंदाज के आजादी तो बाद एक गल कही थी कि मुद्दत सी हुई जहां रंजो गम सहते हुए अब शर्म सी आती है इस वतन को अपना वतन कहते हुए, उन्हें शायराना अंदाज के गल कही थी उन्होंने शर्म आने लग पी थी क्योंकि इतों के राज करने वाले लोगों ने इतों के घट गिणतियों इतों के वीकर सैक्शन इन्ना मधोल के रख दिता कि अज हालात आ हो गए हैं, अज सानू अपनी रोजी रोटी की लड़ाई के बाहर आ जी मान सम्मान की लड़ाई लड़नी पै रही है, सड़कों के उत्ते पूरा समाज उतरिया।